बन जाओ। नहीं करो ना बॉस, क्यों कर रही हो ये सब? डैड मैं तो सोच रहा हूँ अगले महीने अमेरिका जाने से बेहतर है मैं कल ही इसको अपने साथ अमेरिका ले जाता। आओ ज़मिया, यहाँ बैठो। क्या हुआ, रुक क्यों गई? आओ यहाँ बैठो। यहाँ बैठ जाती हूँ। यहाँ क्यों, बेड पे बैठने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस थक गई हूँ इसलिए यहाँ बैठना चाह रही थी। थक गई हूँ इसीलिए कह रही हूँ, आराम से बेड पे बैठ जाओ। क्या हुआ, अभी तक खड़ी भी हो, बिठाया क्यों नहीं? मामा वो अज़मिया बेड पे बैठना नहीं चाह रही। क्यों? कुछ नहीं ऐसे। चलो कोई बात नहीं, जब दिल चाहेगा तब आराम से बैठ जाना। हम चले? चलते हैं, ठीक है? चलो। खाला कहाँ है? खाला तुम्हारी बाहर मेहमानों के साथ है। ये क्या कर रहे हो? मैं पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहे हो, जी तो नहीं कर रहा। तुम बता क्यों नहीं रहे कि क्या कर रहे हो? नजर नहीं आ रहा क्या कर रहा हूं? मैं जा रही हूं। रुको, मैं बाहर जा रही हूं। ये तुम क्यों जिद कर रही हो? तो क्या करूं, यहां बैठी रहूं? हाँ तो ये बैठूंगा तुम्हारा। मतलब तुम बाहर जा रहे हो? नहीं, क्यों बाहर जाऊंगा, ये मेरा भी बेडरूम है। तो फिर मैं जा रही हूँ खाला के पास। तुम बाहर नहीं जा सकती हो, बाहर इतने मेहमान आए हुए हैं, तुम क्यों मेरी बेइज्जती कराने पे तुली हुई हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम खालू से बात करोगे। हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुमने धोखा दिया है मुझे। यार, टच में मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है? तुमने उस दिन वीडियो कॉल पे मेरी हिम्मत क्यों बढ़ाई थी? मैंने नहीं, तुमने इसरार किया था। अगर मैंने इसरार किया था तो तुम इनकार कर देती। मैं ऑल द वे अमेरिका से यहाँ तुमसे जबरदस्ती करने के लिए तो नहीं आता ना। सही कह रहे हो तुम, मुझे तुम्हारी बात माननी नहीं चाहिए थी। देखो उसमें रिलैक्स, तुम को लड़ने का कोई फायदा नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो। मैं फरतीन हूँ तुम्हारा, फरतीन। जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं पता, भूल जाओ और अब एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। Let's start a new life. तलाक के बाद ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, तुम इतना हार्ड टू गेट क्यों प्ले कर रही हो? मैं जानता हूं तुम मुझे चाहती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, तो फिर को अगर इस तरह नखरे करोगी तो फिर मुझे उसी दिन की तरह दोबारा गुस्सा आ जाएगा। और तुम ठीक है, Let's not fight. कितनी खूबसूरत रात है हमारी। देखो तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर आने वाले दिनों में हम किसी मौलवी से फतवा ले लेंगे कि
एक बार में तीन दफा तलाक नहीं होती। सब भूल जाओ और न्यू लाइफ ऑन। शादी शादी होती है, कोई गेम नहीं कि जब दिल चाह रेफरी से रूल बदलवा लिया। हटो मेरे रास्ते से। अरे तुमसे जितना तमीज से बात कर रहा हूँ तुम उतनी मुझसे बदतमीजी करेगा। मैंने मोहब्बत की है तुमसे, जब भी मैंने तुमसे शादी की है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इधर देखो मुझे। सॉरी, देखो तुम इस अगले बेडरूम में, और तुम इन फजूल बातों में क्यों टाइम जाया कर रही हो? मेरी बात मान लो, अल्लाह मियां से माफी, हम बाद में मांग लेंगे। मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगी, ये गुनाह है। दूर हटो मुझसे वरना मैं शोर मचा के सब। बंद रखो, क्या क्या हूं मैं तुम्हें? दरवाजा खोलो। तुमने इतनी जोर से मेरे सिर पे दे मारा है ये। मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, तुम मेरी मोहब्बत का नजायज फायदा उठा रही हो। दादा खोलो। तुम बाहर आओ, हम बैठ के आराम से बात करते हैं। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? Thank you.
सुनी। उसमें फरदीन उठ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ। मिसेस जुबैर कल रात खाने की बहुत तारीफ कर रही थी, पूछ रही थी केटरिंग कहाँ से करवाई थी। अच्छा, वैसे मिसेस जुबैर किसी की तारीफ करें बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये तो सही कह रही हैं। अजमिया बेटा क्या सोच रही हो? कुछ तुम नाश्ता तो लगवा दो। जी जी, बस आपकी बहू तो आ गई है, अब जरा आपके बेटे साहब भी नींद से उठकर तशरीफ ले आए। वैसे सलीमा भाभी, अजमिया बहुत प्यारी बच्ची है। माशाल्लाह। बेटा जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फरदीन बेटा कपड़े क्यों नहीं चेंज किए तुमने? वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि नाश्ते के बाद कर लूंगा चेंज, इसलिए। वैसे सलमा कब आ रही है अजमिया को लेने के लिए? सलमा तो नहीं आएंगी, हाँ निगत और हसन आएंगे थोड़ी देर में। चले भाई अब तो नाश्ता लगवा दें आप। जी जी लगवा रही हूँ। ये साईजान बहुत भूख लग रही है। बस दो मिनट में। शहाना, शहाना जल्दी से नाश्ता लगाओ भाई। मैं कह रहा था कि थोड़े दिन और रुक जाते थे, जल्दी जाने की क्या जरूरत है? नहीं, ऑफिस से 10 दिन की मुश्किल से छुट्टी मिली थी, अब जाना तो पड़ेगा। तो बस फिर जब ये लोग चले जाएं तभी फिर उज़्मी को घर भेज दीजिएगा। अरे बातें सुनो जरा इस लड़के की। भाई वाह, बड़ा अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने अपनी बेगम को रोकने का। अरे मैं अपनी वजह से नहीं, मैं तो चची और फरा के लिए कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ भाई, मेरे लिए तो कह रहे, अपने लिए थोड़ी। भाई मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं लगेगा इसके बगैर। हाँ भाई मेरा भी, कैसे रहूंगी चंद घंटे इसके बगैर। ऐसे करो इसे ना भेजो, मेरी नजरों के सामने रहने दो। भाई देखिए, जो भी अजमिया को रोकना चाहता है ना वो इसकी अम्मी से बात कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं बात कर भी लूंगा, खाला से कहूंगा कि चाची और फरा नहीं आने दे रहे। मुझे जाना है। क्या हुआ बेटा? जी मुझे जाना है। हाँ तो चले जाना, हम तो मजाक कर रहे हैं। नाश्ता वगैरह कर लो आराम से और उसके बाद तुम अपनी मम्मी के घर चली जाना, हम आ जाएंगे रात को तुम्हें लेने।
मैं रात वही रुकना चाहती हूँ अम्मी के पास। क्या बात है, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। हाँ बेटा, कोई परेशानी है तो बता दो। बल्कि एक काम करो ना, तुम बेटी को लेके जाओ और अलहदगी में जाके बात करो। जाओ जी। नहीं नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ यूं ही कह रही है, वो बिल्कुल ठीक है। तुम ठीक हो ना? कहो ना सबको कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जी ठीक हूँ मैं, वो अम्मी से दूर नहीं रही इसलिए। बेटा अजमिया, खाला का घर भी माँ जैसा होता है, समझो कि तुम अपनी अम्मी के घर पर ही हो। हाँ बिल्कुल, देखो ना मैंने कितना सब कुछ बनवाया है तुम्हारे लिए, कुछ लो ना, मैं तुम्हें निकाल के दूँ, कुछ लाओ। अजमिया तुम रो क्यों रही हो बेटा? देखो देखो फरदीन कितना परेशान हो रहा है तुम्हारे लिए। हाँ हम सब परेशान हो गए हैं बेटा, बताओ क्या बात है। आई थिंक शी इज मिसिंग हर मॉम्स हाउस, ऐसा ही है ना बेटा? मम्मा घर जाना है, आप नाश्ता कर लो, उसके बाद आप आराम से चले जाओ। हाँ हाँ बेटा, आराम से नाश्ता कर लो, फिर खुशी खुशी अपनी अम्मी के घर जाना और खुशी खुशी वापस आना। अब फरा निकाल के दो अजमिया को कुछ प्लीज। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाने दूंगा, तुम वहां जाके सब कुछ सच बता दोगी। मगर तुमने तो कहा था कि हम सबको बता देंगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सेंसिबली, इतना तो सोचो हमारी फेस सेविंग हो जाएगी इस तरह। दो चार दिन रुक जाओ, जैसे चर्ची चली जाती है फिर मैं डिस्कस कर लूं। डिस्कस? क्या डिस्कस करना है तुम्हें? इन किसी आलम से डिस्कस कर लूंगा। तो तब तक तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी बन के रहूं यहाँ? तो तुम्हारा कजन भी हूं मैं, तुम्हें कोई खा नहीं जाऊंगा। और तुमने कल रात जो मेरे साथ किया है ना, वो तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मुझे कुछ भी हो सकता। तुम क्या चाहते हो कि तलाक के बाद भी मैं? ये लफ्ज अपने से मत निकालना। ये लफ्ज तुम खुद अपने मुंह से निकाल चुके हो। ये तो तुम कह रही हो ना, अगर मैं इस बात को झुठला दूं तो, अगर मैं ये कह दूं कि मैंने तुम्हें तलाक दी ही नहीं, फिर क्या होगा? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं तो तुम मेरा साथ दो, ओके? अजमिया अजमिया, हसन भाई आए हैं, आप दोनों को बुला रहे हैं। अच्छा तुम चलो, हम आ रहे हैं। कब बताएंगे हम सबको? चची के वापस जाते ही।
बाहर आ जाओ। लो भाई गरम गरम पराठा। अरे तुम्हारा पराठा तो वैसे का वैसा रखा हुआ है, मैं दूसरा ले आई, खा क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ जकी, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी बेटा? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस भूख उड़ गई है बेचारे की, इतना जुल्म जो हुआ है इसके ऊपर। तुम चुप हो जाओ, बात कर रही हूं ना मैं उसके साथ। क्या हुआ मेरा बच्चा, नाश्ता क्यों नहीं कर रहा है? नाश्ता तो कर लो ना बेटा। कहा जकी, अजमी क्या बात है बेटा? मैं देख रही हूं जब से तुम वापस आई हो बहुत चुप चुप हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं। नहीं बेटा, कुछ तो है, तुम आज जरूर से ज्यादा खामोश हो। अपनी अम्मी को नहीं बताओगी? नहीं कुछ नहीं है। फरदीन का फोन है तो बेटा आंसर करो, जाओ बात करो उससे। जी जी बाजी, आपके तीनों जोड़े वक्त पे तैयार हो जाएंगे, परसों मंगवा लीजिएगा। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी पसंद के डिजाइन बनाए मैंने, मैं करवा दूंगी, फिक्र ना करो। अच्छा जैसे आपकी मर्जी, खुदा हाफिज। क्या बात है, काम क्यों नहीं कर रहे तुम दोनों? नहीं नहीं अम्मा, कर रहे हैं काम। वो मेरी अभी नजर पड़ी है, ये अजमिया का एक जोड़ा रह गया है। अजमिया का जोड़ा? अजमिया के तो सारे कपड़े भिजवा दिए थे, लाओ दिखाओ मुझे। हाँ नाम तो अजमिया का है। यही तो कह रहा हूँ अम्मा। कपड़े दिखाओ। ये मैं, ये मेरे को याद है अम्मा, मैंने ही सिया था ये। लाइन दे, मैं अभी देकर आ जाता हूँ, 5 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं इसमें। इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? किसी से कुछ कहा तो नहीं? नहीं कहा। यकीन नहीं आ रहा मैं आ रहा हूँ चेक करने। मैं नहीं कहूंगी, मुझे भी अपनी फैमिली का उतना ही ख्याल है जितना आपको। सच कह रही हो? जी। उसमें बाहर बेल हुई है, लगता कोई आया है, मैं फोन रख रही हूँ। स्वीट बोलती है तो द फोन डाउन ऑन मी।
मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। आपको कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह बात करने का। ये कोई हक नहीं है तुमसे इस तरह बात करने का? तुम इतनी जल्दी इस तरह बदल कैसे सकती हो? बदलने में एक लम्हा लगता है फरदीन साहब। तुम ये किस तरह मुझसे बात कर रही हो? तुमने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की, कौन सिखा रहे तुम्हें सब कुछ? हेलो हेलो सुन रही हूँ। तुम इतने इरिटेट क्यों हो रही हो मुझसे? अच्छा मैंने कह दिया है कि नहीं बोलूंगी तो नहीं बोलूंगी। आपको आने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह हाफिज। हेलो हाँ जी बात हो गई? जी हो गई। अच्छा वो जकी आया बाहर, उसे देख लें। जकी? हाँ कह रहा था उसने तुम्हारा कोई जोड़ा बनाया था, वो देने आया, उसे देख लेना। हाँ जी। आज क्यों आए हो? कोई काम नहीं है, पूछ कर आया करो। जोड़ा रह गया था तुम्हारा, ये देने आया हूं। कैसी हो? बता दिया सबको? नहीं। क्यों? मुनासिब नहीं लगा। किसे मुनासिब नहीं लगा? कब बताओगी, जब वो हद से गुजर जाएगा? तुम ज्यादा फ्री नहीं हो रहे? नहीं रह सकती तुम वहां, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो मेरे को बोलो, मैं बता देता हूँ उसको। मैं यहाँ रहूं या वहां रहूं मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो बोलने वाले? कैसे रहोगी वहां जब तलाक दे चुका है तुम्हें वो? तुम्हें पता है कि उसने मुझे तलाक दी? क्या पता मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या पता कि मैं फरदीन के साथ रहना चाहती हूँ, और तुम ना मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो, समझे? मेरी मर्जी, जो करूं मैं, आ गई समझ? आ गई। रुको, अकबर, अकबर। जी भाभी। फ्रिज में हाजरा दर्जन के नाम का एक थैला रखा होगा, वो लेकर आओ, और अम्मी से कहना कि इनके पैसे जो देने हैं वो भी दे दें। अच्छा। तो मेरे को पैसे दोगी? मैं नहीं दे रही, अम्मी दे रही। शादी के दिनों में जो हेल्प ली थी उसी के लिए। थैंक यू। और ये सूट मेरा नहीं है, लेके जाओ। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी नमी मेरी इन आँखों में आने देना नहीं, तू कभी मेरे बन जाओ। अम्मी जी। बेटा तुमने वो खाना और पैसे जकी को दे दिए थे? जी ये क्या कर रही हैं? तुम्हारे अमेरिका जाने की पैकिंग शुरू कर दी है मैंने, सोचा कुछ गर्म कपड़े भी रख देती हूँ। तुम्हारे वहां पहुंचते ही ना न्यूयॉर्क में सर्दियां शुरू हो जाएंगी। अच्छा मुझे बताओ, इसमें से ये वाला जो है ये रख दूं मैं तुम्हारे लिए, साथ लेके जाओगी? अगर मैं ना जाना चाहूं तो? हाय अजमी, तुमने ना बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। सच बताऊं मैं तो रोजाना दुआएं मांग रही थी कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हें जाना ही ना पड़े, फरदीन यहीं रह जाए और उसे यहीं कोई नौकरी मिल जाए। तो रोक लेना मुझे। फिर वही बात बेटा, क्या हो गया? रुखसती के वक्त भी तुम शुरू हो गई थी, और तुम्हें पता है मुराद भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ऐसी बातें नहीं करना।
तो मेरी कोई बात समझती ही नहीं है। सब समझती हूँ। अमेरिका जाने की वजह से तुम्हें घबराहट हो रही है और कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, इसके अलावा क्या बात हो सकती है? आपको बहुत यकीन है फरदीन पर? हाँ। अगर वो कभी गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दे तो? अजमी, अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या पागल हो गई हो? जो मुंह में आता है बोली चली जाती हो? ऐसी बात तो मुंह से निकालते भी नहीं है बेटा, मेरा तो हार्ट ही फेल हो जाता। शैतान के कान भैरे, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। बेटियां अपने मैके जाती हैं तो अच्छी अच्छी बातें करती हैं, और तुम हो के बस। आइंदा मैं इस तरह की कोई बात ना सुनूं तुम्हारे मुंह से। अम्मी चुप। अब अगर तुमने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो मैं तुम्हारे शौहर को फोन करूंगी और कहूंगी अभी आके तुम्हें ले जाए। जाओ जाके अपनी अलमारी से कपड़े लेकर आओ, तुम्हारी पैकिंग करनी है। जाओ। यार बता ना क्या बात हुई? थप्पड़ मार दिया उसने, देने लगी। औकात में रहो तुम अपनी, ना लेने में ना देने में। होते कौन हो मेरे से बात करने वाले? तो बकवास मत कर। क्या वाकई उसने ये सब कहा? और नहीं तो क्या। कहने लगी हकीर इंसान, तुम बस सर झुका के मशीन चलाते रहो, और खबरदार मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत की तो। तो ऐसा बोला तूने खुद सुना? मैंने तो नहीं सुना लेकिन मेरे दिल ने सुना, और एक बार नहीं बार बार सुना, जैसे गाना रिपीट पे लग जाता हो ना। अबे तूने तो मुझे डरा ही दिया था, पागलों जैसी बातें कर रहा है। पागलपन तो अब खत्म हुआ है असलम, अब मेरे को होश आ रहा है। सही कहते हैं, इंसान जब अपनी औकात से बढ़कर उड़ने लगता है ना, वो केवल गिरता है। अब मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? राबिया खाला ने जो अदले बदले वाला रिश्ता बताया ना, उसके लिए हाँ कर रहा हूँ। जकी जकी, जज्बाती मत हो मेरे भाई, जरा सोच ले। सोचने तो ले डूबी है असलम, यही इलाज है मेरा। अच्छा अच्छा, वो लड़का? हाँ तो अच्छा भला तो है वो। क्या बोल रहे हो सकी? आज तो बोलो, वो सुन लेगी। अरे तो सुन लेगी तो अच्छी बात है, उसको तो पसंद आया था लड़का। नहीं, उसकी बहन तुमसे बड़ी है। अरे अम्मा, बड़ी है ना, कोई बुढ़िया तो नहीं है? हाँ तो हो जाएगी ना बुढ़िया तुमसे पहले, लोग क्या कहेंगे? नहीं भाई, मुझे ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना, बता रही हूँ बस। वाह रे अम्मा, ये अच्छी बात है। यानी दामाद आपसे 3-4 साल छोटा तो ठीक है, लेकिन बहू अगर मेरे से 3-4 साल बड़ी है तो लोग क्या कहेंगे? वाह रे अम्मा वाह। अच्छा बस करो, रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का। अरे पता है आपको अच्छी तरह नहीं मिलने वाला। क्या नहीं मिलेगा? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ काम करो अपना, जाओ। ये बोलो, तेरे को लड़का नहीं पसंद आया था, वो जिसकी तस्वीर देखी थी राबिया आपने भेजा था? भाई बहन। हाँ, क्या नाम था अम्मा भाई बहन का? अजमल और परवीन। हाँ तो मैं तो सोच रहा हूँ कि परवीन को ना मैं हाँ कर दूँ, अब तू देख ले तूने क्या करना है। झूठ मत बोल। नहीं मैं झूठ बूट नहीं बोलता, तू होगी झूठी, चल जा खाना ला।
सुन, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? तेरा मेरा मजाक है। वैसे थोड़ा बहुत है भी। चल जाना गाना ला। कर मजाक हो ना, जान से मार दूंगी मैं तुझे। फिलहाल तू भूख से मार रही है, जा बिरयानी लेके आ बहन मेरी। अजमिया चलो भाई। किन ख्यालों में हैं? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों बैठी हो? जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, सलीमा खाला की कॉल आई है, तुम्हें लेने आ रहे हैं। क्या वो लेने के लिए आ रही है? मगर उन्होंने तो मुझे बताया नहीं। बेटा शुरू शुरू में ना सब आगे पीछे हो रहे होते हैं, इंजॉय कर लो, बाद में कोई पूछता भी नहीं है। जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। हाँ भी। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना? ये क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो अजमिया? चलो चुप करके तैयार होकर नीचे आओ। नहीं जाना।